मफिन्स, हेल्दी बनाना मफिन्स हैं जो कि आप ब्रेकफास्ट ऑप्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको रख सकते हैं फ्रिज में, कंटेनर में, और आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं 2 से 5 दिन तक, और मे बी आप इसको फ्रिज में रखें तो कम से कम आप इसको 1 हफ्ता भी इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो ये 3 कप हमारे पास ओट्स हैं, रोल कट्स ओट्स, और बेकिंग पाउडर इसमें चला गया। ओके जी, इसमें हम डालेंगे नटमेग पाउडर यानी कि जायफल का पाउडर, सिनेमन पाउडर, और जाएगा पिंक सॉल्ट। अब मैं इसको हल्का सा स्टर करके, जी जनाब, इसको मैंने साइड पर रख दिया। आ जाते हैं अपने लीक्विड इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। तो ये 5 केले हैं जिसको मुझे सबसे पहले मैश करना है। तो ये मैंने मैशर ले लिया, ये मैं केले डाल देता हूँ। अच्छा, मैं इसमें कोई भी एक्सेसिव शुगर नहीं डाल रहा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डार्क चॉकलेट चिप है जो कि 99 to 75% डार्क चॉकलेट है। ओके, दूसरी चीज़ जो इसको मीठा करेगी वो ये है कि ये केले, ये जितने राइप होंगे यानी कि थोड़े पके हुए होंगे टाइम से, तो वो उतने ही मीठे होंगे। अब इसको सिंपल मैं मैश कर रहा हूँ केलों को। 1 कप मिल्क है, हम इसके अंदर 1 कप मिल्क ऐड कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं इसमें 2 अंडे डाल रहा हूँ। इसी से विस्क कर लेता हूँ, विस्क का मुझे मिल नहीं रहा। कभी भी कोई चीज़ नहीं मिले तो घबराना नहीं होता, लाइक कोई भी चीज़ अवेलेबल उसी से आप चीज़ें यू नो इस्तेमाल कर लें। अच्छा, रेसिपी में वनीला एसेंस आ रहा होगा, मेरे पास केले जो है ना उसकी खुशबू इतनी ज़्यादा हो रही है तो मुझे लग रहा है वनीला एसेंस मैं नहीं ऐड ऑन कर रहा, लेकिन एडिशनली अगर आप चाहें तो, अगर आपको लग रहा है कि एग योक की वजह से थोड़ी स्मेल आ रही है तो आप वनीला एक्सट्रैक्ट डाल सकते हैं। अच्छा, जैसे हमने साइड पे किए थे हमारे रोल कट ओट्स यानी कि दलिए चिपटे हुए, जैसे चिपटा हुए रोल कट्स ओट्स थे वो हैं, अब ये मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। ये एक हेल्दी मील है और हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन है अगर आप यू नो वर्कहोलिक हैं, अगर आपके पास टाइम कम होता है सुबह नाश्ते के ऑप्शन में, ये एक बेहतरीन नाश्ता होता है। सुबह आपने मफिन उठाया, 1 कप कॉफ़ी ली और आप तैयार हैं अपने वर्क स्टेशन पर पहुँचने के लिए। इसको मैं इस तरीके से फोल्ड करूंगा। अच्छा, ये हमारा बेहतरीन सा हमारा बनाना मफिन का मिक्सचर रेडी हो चुका है। 5 मिनट इसको रेस्ट देना है, मेरे पास अभी टाइम शॉर्ट है तो मैं डायरेक्ट इसको ट्रे के ऊपर रखने जा रहा हूँ। तो ये बेकिंग ट्रे है हमारी, मैं इसको कपकेक्स को डायरेक्ट, अगर आप चाहें तो आप कपकेक ट्रे के ऊपर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये क्यूट कंटेनर है क्योंकि मैं अपने मफिन्स को प्रिजर्व करना चाहता हूँ कम से कम 1 हफ्ते से ज़्यादा। इस तरीके से आप 1 by 1 लेआउट कर दें। अच्छा, इसके ऊपर हम कर रहे हैं डार्क चॉकलेट चिप की टॉपिंग। आपके ऊपर ऑप्शन है, अगर आप चाहें बेरीज डालना तो आप बेरीज डाल सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो, रेजन्स हो तो रेजन्स डाल लें। तो ये मेरा फाइनल लुक है, 190 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओवन प्री हीटेड है जिसमें 20 से 25 मिनट तक मैं इसको बेक करूँगा।